हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस्का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20 मई 2009 एंड जर्मनी में 10 सितंबर 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिबली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट
फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस्ट स्वेंस का फिल्म इंस्टीट्यूट, सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म्स ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है, यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस्ट स्वेंस का फिल्म इंस्टीट्यूट, सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म्स ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है, यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे।
फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रेयर ने, एंटरटेन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस्ट स्वेंस्का, फिल्म इंस्टीट्यूट, सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट एंड $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रेयर ने, एंटरटेन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस्ट स्वेंस्का, फिल्म इंस्टीट्यूट, सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट एंड $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रेयर ने, एंटरटेन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो,
फिल्म आई वेस स्पेंस का फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन ZDF फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म्स ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट एंड $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। It tells the story of a couple who, after the accidental death of their son, retreat to a cabin in the woods where the man experiences strange visions and the woman manifests increasingly violent sexual behavior and sadomasochism. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, डेनमार्क्स रेडियो। फिल्म आई वेस स्वेंस का फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन ZDF फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म्स ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट एंड $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। It tells the story of a couple who, after the accidental death of their son, retreat to a cabin in the woods where the man experiences strange visions and the woman manifests increasingly violent sexual behavior and sadomasochism. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, डेनमार्क्स रेडियो। फिल्म आई वेस स्वेंस का फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन ZDF फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म्स ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को
डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20 मई 2009 एंड जर्मनी में 10 सितंबर 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द मैन फिट्स इंक्रीजिबली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमैज़ोकिज़्म। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटिक रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रियर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, डेनमार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंसका, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20 मई 2009 एंड जर्मनी में 10 सितंबर 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द मैन फिट्स इंक्रीजिबली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमैज़ोकिज़्म। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटिक रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रियर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, डेनमार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंसका, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20 मई 2009 एंड जर्मनी में 10 सितंबर 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है।
इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज़। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस्ट स्वेंस्का, फिल्म इंस्टीट्यूट, सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस्ट स्वेंस्का, फिल्म इंस्टीट्यूट, सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज़।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस्का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म्स ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस्का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म्स ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स। आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो। फिल्म आई वेस स्वेंस का। फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही मैं सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स। आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो। फिल्म आई वेस स्वेंस का। फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फोल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटीक्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस स्वेंस का, फिल्म इंस्टीट्यूट सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंज ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटी क्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस्ट स्वेंस्का, फिल्म इंस्टीट्यूट, सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे अच्छी मूवीज़ के रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए। मूवी का नाम है एंटी क्रिस्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार मूवी है। यह एक हॉरर आर्ट फिल्म है, काफ़ी स्केरी मूवी है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है लार्स वॉन ट्रायर ने, एंड रिटन भी इन्होंने ही किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मीटा लोइस फॉल्कर। फिल्म के स्टार्स रहे हैं विलियम डेफो, चार्लेट गेंसबर्ग। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी एंथोनी डॉड मेंटले। फिल्म को एडिट किया है एंड्रिस रेफिन, एजा मोसबर्ग। फिल्म को म्यूजिक दिया है क्रिस्टिन एडनेस एंडरसन। फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी रही है जैन ट्रोपा एंटरटेनमेंट्स, आर्ट फ्रांस सिनेमा, कैनाल प्लस, टेन मार्क्स रेडियो, फिल्म आई वेस्ट स्वेंस्का, फिल्म इंस्टीट्यूट, सेवरेज टेलीविजन, ZDF। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ डिस्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने डेनमार्क स्वीडन में, लेस फिल्म ड्यू लॉस एंजेलिस ने फ्रांस में, MFA प्लस फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जर्मनी, लकी रेड इटली, क्वेटिक फिल्म पोलैंड एंड IFC फिल्म ने यूनाइटेड स्टेट में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिल्म की रिलीज डेट रही है डेनमार्क में 20th of May 2009 एंड जर्मनी में 10th of September 2009। फिल्म का रनिंग टाइम 108 मिनट का है। कंट्रीज की डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड स्वीडन रही है। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $3.5 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है। $7.4 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस रनिंग इस मूवी की रही है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कपल हु आफ्टर द एक्सीडेंटली डेथ ऑफ देयर सन रिट्रीट टू अ कैबिन इन द वुड्स वेयर द मैन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेंज विजन्स एंड द वुमेन मैन फिट्स इंक्रीजिवली वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर एंड सैडोमेकोज।